ओके फ्रेंड्स, सो माय नेम इज आर्वर्ड एंड ब्रो, आज ना अपन लोग भाई अपने विलेजर्स को देने वाले काम, मैं उनको देने वाला भाई उनकी नौकरियां। ठीक है यार, तुम लोग आ जाओ फिर बातें करते हैं। तो ब्रो, मैन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है मेरे पास में, वो ये है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक नया वीडियो डाला है जो कि व्लॉग है। ठीक है, उसके अंदर भाई मैंने एक नया आईफोन खरीदा है, जाके देखो ब्रो, मजा आ जाएगा। ये आईडी दिख रहा होगा, इंस्टा पे जाके फॉलो करो, वीडियो देखो ब्रो, बताओ कैसा लगा तुम्हें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मैन वीडियो को। तो गाइस, तुम देख सकते हो फाइनली अपन आ चुके अपने वर्ल्ड में यार, है ना। एंड ये बैठा अपना जॉब द माफिया यार, आज तुम मेरे साथ चल जॉब द माफिया। ठीक है, बहुत दिन हो गए तू बेचारे यहाँ पर ही बैठा है यार। अभी अपन कभी वन ब्लॉक खेलते हैं तो बेचारा बैठा बैठा थक गया, मैंने कहा चल आ जा इधर। अरे इस साइड आ, चल चल अभी निकलते हैं यहाँ से अपन। ठीक है, एंड भाई क्या बात है यार, गोलम साहब अब तो मरने वाले हो। रुको ब्रो रुको, एक मिनट, मेरे को ना गोलम को सही करना पड़ेगा। एक तो यार गोलम पता नहीं पिट जाता है भाई, मतलब इतना तगड़ा आदमी है यार, पिट कैसे जाता है भाई ज़ॉम्बी से यार ये। गोलम सर खा लो ये, चलो। ओके ब्रो, तो फाइनली गोलम सही हो चुका है। ठीक है ना, क्या बात है यार, अपन ने उसको एक जीवन दान दिया यार। मैं भाई ऐसे धर्म करता रहता हूँ, ठीक है, मेरे लिए छोटी मोटी बातें हैं यार ये। अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ब्रो, वो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो वो घर है ना उसको अपन बाद में दिखाएंगे। एंडरमैन एंडरमैन इधर आ, इधर ये इधर ले, दिमाग खराब कर रहा है, मेरे घर पे आया भाई, बड़े दिनों बाद आया एंडरमैन, है ना। इधर आना, ये ले भाई, जरूर कुछ ना कुछ साजिश कर रहा है अपने खिलाफ। ठीक है, वो इधर है। अरे भाग गया एंडरमैन यार सच में। अरे माफिया तू बैठ जाए भाई, तेरे को मारेगा भी एंडरमैन, ही तो मर जाता है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। बट एंडरमैन सच में भाग गया, मतलब मेरे को पता था भाई एंडरमैन फट्टू है, उसको डर लगता है अपने से, बट ऐसे एक बार में भाग जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था यार। कोई बात नहीं भाई, तुम देख रहे हो अपना कहर बढ़ता जा रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर, है ना यार। अपन भाई बहुत ही खतरनाक आदमी बनते जा रहे हैं लगातार। तो मैं तुम्हें जो दिखाने वाला था ना चीज, वो थी ये, देखो तुम ब्रो, ये जो पूरा एरिया है ना, पहले एक पहाड़ हुआ करता था ये, यहाँ पे मस्त पेड़ वगैरह उगा करते थे, बट मैंने ना ये सारी चीजें तोड़ दिया है। उसका रीजन ये है भाई कि मैं ना अपने घर के चारों तरफ बनाने वाला हूँ एक वॉल, एक फेंस बनाने वाला हूँ, एंड भाई यहाँ पे बीच में अपन लगाएंगे गेट। ठीक है, बहुत ही बड़ा द्वार लगाएंगे अपन, ऐसा लगेगा भाई कि महल के अंदर जाने का द्वार है। ठीक है, उस द्वार के अंदर कदम रखते तो पहुंच जाओगे मेरे साम्राज्य में, मैं यहाँ का राजा हूँ। ऑल्दो पे मेरी कोई बात नहीं मानता है, बट मैं यहाँ का राजा हूँ एंड भाई ये मेरा साम्राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं गेट लगाने वाला हूँ, एंड यहाँ पे पहाड़ था तो उससे बैठ ही रहता हिसाब किताब, तो मैंने पहाड़ को फिनिश कर दिया है। ओके एंड गाइस, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरे को बाउंड्री बनाने का ना, चारों तरफ जो बाउंड्री बनाने का मैंने सोचा है अभी, जो अपन पूरे अपने घर अपने विलेज को कवर कर लेंगे उसके अंदर, वो आया जब एक कल एक ज़ॉम्बी आया था ब्रो, एंड वो ज़ॉम्बी ना यार एक विलेजर को मार रहा था, मैंने सब देखा, मेरे को लगा विलेजर भाग रहा है तो बच जाएगा, बट वो विलेजर इतना बुद्धू निकला ना ब्रो, ज़ॉम्बी के पास चला गया यार, खुद ज़ॉम्बी विलेजर बन गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा भाई आप अपने को फैंस लगाने पड़ेंगे, आप अपने और साथियों को नहीं गवा सकते। गाइस तुम समझो मेरी बात को, ठीक है, तो अभी ना एक काम करेंगे अपन, यहाँ पे पूरी तरफ फैंस लगा दूंगा मैं, चारों तरफ बाउंड्री लगा दूंगा, एंड पहले मैं खाना लेता हूँ। ठीक है, कुछ क्या खाना आया मेरे पास में, तुम देख रहे हो भाई मेरे पास खाने की कमी नहीं है यार, ये देखो तुम, डेली के डेली एक बटन दबाना होता है ऊपर की तरफ अपने को फुल खाना मिलता है। एंड मेरे को एक चीज याद आई अभी, ठीक है, तुम देखना, मुझे पता है, मुझे याद है भाई कि मेरे को तुम लोगों को इस घर के बारे में बताना है, बट उससे पहले एक बहुत ही जरूरी काम है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम देखना, अरे ए क्या नाम है फार्मर, थोड़ा सा मेरे से ट्रेड कर ले इसके साथ में, देख रहे हो ब्रो। अबे तू यार वीट लेता है ना, तू पोटेटो क्यों ले रहा है, पहले तो तू कर रहा था वीट के साथ में, नहीं कर रहा, हट भाई, कल कर रहा था सच में यार, तू कर रहा है क्या ट्रेड, सर सर ट्रेड कर रहे हो कुछ, आपको भी पोटेटो चाहिए, हट यार ये क्या दिक्कत है, सबको पोटेटो चाहिए क्या यार, आप कर रहे हो सर, आप वीट ले रहे हो, वेरी गुड यार, तुम देख रहे हो मैं इसको वीट देने के लिए तैयार हूं ब्रो, ये ले और हो जा। ओके भाई फाइनली अपने पास में दो एमरल्ड आ चुके हैं, जिंदगी में पहली बार मेरे पास एक एमरल्ड आया। ठीक है, मेरे को लग रहा है मैंने दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली है ना। ये कौन है यार, ये बार बार मेरे पास क्यों आ जाती है यार, मैंने तो स्क्रीन भी नहीं ले रखी, क्या है गेम में ग्लिच चल रहा है यार, मेरा स्टीव कहां पर है। कोई बात नहीं यार, अब जैसा ऐसा काम चलाना पड़ेगा अपने को, क्या ही कर सकते हैं। काम करता हूँ, पहले तो मैं एमरल्ड को रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भाई बहुत ही कीमती सामान होता है ये, इसको यहाँ पर मैंने रख दिया है। ऑल दो ना, मैं चाहूँ तो भाई अभी और ट्रेड कर सकता हूँ, बट कभी बाद में कर लेंगे अपन, अभी अपन चलते हैं अपना काम करते हैं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ गाइस, मेरा घर, ठीक है, मेरा घर बोले तो मेरे दोस्तों का घर, मेरे साथियों का घर, ये है गाइस मेरे विलेजर्स का घर। ठीक है, जो मैंने कल बनाया था भाई, बहुत ही सही घर है। इसमें ना एक दिक्कत अभी बची है, वो ये है कि मेरे को स्टेयर्स लगानी है, बिकॉज कल मेरे पास ब्लॉक खत्म हो गए थे, अभी स्टेयर्स मेरे पास पड़ी हुई है, यहाँ पर मैंने स्टेयर्स रखी थी। ठीक है, ये रही स्टेयर्स, अरे तो यार ये रही स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स को मैं लगा देता हूँ अभी, बिकॉज कल मैंने लगाई थी, आलस आ गया था भाई, तुम समझते हो कितना काम करते हैं अपन डेली यार, तो थक जाता है इंसान। अभी मैं यहाँ पे स्टेयर्स लगा देता हूँ सारी की सारी,
ओके गाइस, तो फाइनली मैंने सारे के सारे स्ट्रेस लगा दिए। तुम देख रहे हो अब लगना ना बिल्कुल अलग लेवल पर घर यार। मैंने ना बहुत ही ट्राई करा कि ये घर को मैं थोड़ा मॉडर्न टाइप का लुक दूं। देखो अपना जो घर है ना भाई, वो भी व्हाइट कलर का है, थोड़े ब्रिक्स है। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा व्हाइट कलर का डायरेक्ट लगाया है एंड ऊपर ये लो क्लॉक लगाई है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। अभी अंदर से मैं तुम्हें बताता हूँ ठीक है ब्रो, अंदर से कैसे लगता है ये घर। तो ये देखो एंड ए छोटे बच्चे, तू कब आया? तू तो यहाँ पे था ही नहीं ना पहले। मेरे को जानता है, तू जानता है ना? बोल मेरे को जानता है यार ये। रुक किधर गया? ए बदतमीज बच्चे, मैं यहाँ का मालिक हूँ ठीक है, ये उछलना बंद कर मेरे सामने। अरे उछल बत्ता यार। अरे बड़ा 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 बदतमीज बच्चा है यार। किसका बच्चा है भैया? कौन है इसका मम्मी पापा? यहाँ पे आओ एक बार। तो गाइस तुम देख सकते हो ऊपर की तरफ ना पूरा खाली छोड़ रखा है मैंने, नीचे की तरफ मैंने बेड लगा दिए हैं। बिकॉज मैंने तुम लोगों से पूछा था कि गाइस अपन यहाँ पे इन सारे के सारे विलेजर्स को कहाँ पे जॉब दो, ऊपर वाले फ्लोर पे कि नीचे वाले पे। तुम्हें से मैक्सिमम लोगों ने वोट करा था ऊपर वाले फ्लोर पे दो, यानी तुम्हें नहीं पता ना किस वोट के बारे में बात हो रही है। तो फिर मेरे को इंस्टा पे जाके फॉलो करो, ये मेरा तुम्हें नाम दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं तुम लोगों से पूछता रहता था क्वेश्चन ठीक है, अपने क्या करना चाहिए। 61% लोगों का आया था वोट कि भाई आप एक काम करो ऊपर की तरफ लगाओ ठीक है जॉब साइट। तो मैंने कहा व्हाई नॉट ब्रो, अपन ऊपर लगाएंगे ठीक है यहाँ पे जॉब साइट। अभी मेरे को बनाना है, मेरे पास कुछ भी नहीं बना हुआ जॉब साइट बनाने के लिए। तो मेरे को पहले काफी चीजें बनानी होंगी, लाइक ब्लास्ट फर्नेस, कोल्ड ड्रम, लाइब्रेरियन के लिए कुछ होता है लैक्टर्न, इतना ही मेरे को आता है, अभी मेरे को सीखना पड़ेगा। मैंने नाम नोट कर लिया सबके, अभी को पता नहीं था। तो यार जो भी है, ये नीचे से इनका घर दिख रहा है, ये देख लो अलग अलग करके मैंने बेड लगा दिया यहाँ पे ना, दोनों तरफ बेड लगाए हैं। यहाँ पे लोग सोया करेंगे एंड ऊपर जाके काम करेंगे ठीक है ब्रो। वैसे ऊपर काम करने से ना एक फायदा और होगा कि अपन डायरेक्ट नीचे नजर रखे करेंगे ठीक है। वो देख रहे हो अपने घर की खिड़की, वहां से मैं इनको सीधा देखा करूंगा, सब काम सही तो हो रहा है ना। अभी चलो एक काम कर रहा हूँ, मैं स्लैब लेके आ गया हूँ ठीक है। अभी एक काम करते हैं अपन, ये जो दो बैल मेरे पास पड़ी हुई ना लोगों की, इनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। किस तरफ लगाऊ? इस तरफ लगा रहा हूँ मैं ठीक है, एक यहाँ पर एंड देन एक अपन लगाएंगे यहाँ पर। अरे इस पे नहीं लगती क्या स्लैब पर? ऐसे कैसे हो सकता है यार, पहले तो लग रही थी भाई, बैल नहीं लग रही है यार ये, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। गाइस तो भी रात हो चुकी है, अभी अपन बाकी काम कल सुबह करेंगे। चॉप द माफिया आ जा मेरे पास में, आज के लिए बहुत घूमना हो गया। वैसे भी तू बाहर बैठा ही रहा है पूरे दिन यार, अंदर चल अभी ठीक है आ जा। तो गाइस फाइनली यार सुबह हो चुकी है एंड अभी मेरे को यहाँ से स्लैब तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज इनमें कुछ काम हो नहीं रहा है ठीक है। इनमें बैल लग ही नहीं रहा है यार, एंड इन पे तो बैल लगनी चाहिए यार। ओके भाई यहाँ पे बैल लग चुकी है ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके एंड अभी इनके अंदर से कुछ ग्रीन ग्रीन निकला ना, मैंने देखा था। देखो ये क्या क्या बातें कर रहे हो, मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ साजिश कर रहे हो। एंड इस बैल को बजाने से ये सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे अंदर की तरफ। अंदर नहीं जा रहे क्या, किधर जा रहे हो फिर? तो भाई मेरे को नहीं पता, जो भी अगर अपन ने इतना काम कर दिया है ना, कि अभी अपन स्टार्ट करते हैं भाई बनाना फाइनली इनके जॉब साइट के लिए जो भी चीजें थी होंगी ना वो सब। एक मिनट तुम लोगों, मैंने ना सारी चीजें लिख रखी है एक जगह पर, जो जो मेरे को चाहिए इनके लिए। सबसे पहले नंबर पर आती है बैरल, कार्टोग्राफी टेबल, स्मोकर, स्मिथिंग टेबल, ग्राइंड स्टोन, ब्लास्ट फर्नेस, कॉल ड्रम, कंपोस्टर, ब्रूइंग स्टैंड, फ्लैशिंग टेबल, लूम, लैक्टन, स्टोन कटर। एक सांस में बोल दिया मैंने, तुम देखा है कलाबाजी मेरी। तो इतनी चीजें हैं ठीक है, अभी मेरे को जस्ट बनानी पड़ेंगी। सच बताऊं ना तो मेरे को काफी होगा, तो काम भी नहीं पता ये क्या काम आती है एंड इनको लगाने से क्या क्या होगा। खैर देखते हैं भाई, यही तो काम है आज अपना। आज अपन नौकरी देंगे इन सब लोगों को ठीक है, सरकारी नौकरी मिलेगी सबको, ये मेरी नई योजना है इस वर्ल्ड में ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अपन बनाएंगे बैरल को, एंड बैरल कैसे बनती है जितना मेरे को पता है, इनको इधर लगाना पड़ता है, इनको इधर लगाना पड़ता है, एंड किधर गई स्लैब? एक स्लैब इधर, एक स्लैब इधर। ओके ब्रो, तो फाइनली बैरल बन चुकी है। अब अगली चीज जो मेरे को बनानी है, मैं भूल गया क्या थी, क्या लिखा था मैंने, कार्टोग्राफी टेबल बनानी है ब्रो मेरे को। तो ये रहा पेपर यार, पेपर मेरे को, अरे पेपर फेंक क्यों रहा है भाई यार, क्या कर रहा है। तो पेपर भी मैंने ले लिया है ठीक है, अभी मेरे को बनानी है कार्टोग्राफी टेबल एंड ये रही। ओके भाई ये भी अपने पास आ चुकी है। अब मेरे को अगली चीज बनानी है वो है स्मोकर, एंड स्मोकर बनाना मेरे को नहीं आता यार, सच बता रहा हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा स्मोकर कैसे बनेगा। तो मैं काम करता हूँ भाई, सब चीजें बना लेता हूँ पहले, उसके बाद ही तुमसे मिलता हूँ ठीक है डायरेक्ट यार, नहीं तो ना मैं देखते रह जाऊंगा, तुम लोग बोर हो जाओगे। अभी मिलते हैं तुमसे। तो ब्रो मेरे पास सारी चीजें आ चुकी है ठीक है यार, केवल केवल तीन चीज बच रही है। पहले ब्रूइंग स्टैंड है, एक स्टोन कटर है एंड एक कोल्ड ड्रम है ठीक है ब्रो। तो सबसे पहले मैं बात कर रही थी ब्रूइंग स्टैंड की, तो मेरे को भी पता लगा भाई उसको बनाने के लिए ब्लेज रॉड चाहिए होता है, एंड ब्लेज रॉड नेदर में मिलता है। बट वरी नॉट, अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है भाई पहले से ब्रूइंग स्टैंड में, तुम्हें बताता हूँ ठीक है कहाँ पे रखा है। मैंने ऊपर तो कहीं देखा था उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद इस वाले घर में देखा था क्या मैंने उसको, इधर तो नहीं है भाई। चेस्ट रखा है, चेस्ट में क्या है? ओके कुछ स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है, इनको रहने दो भाई। मैंने ना अभी तक जो एक भी विलेजर का ना सामान नहीं लिया है, मैंने कहा भाई अपन खुद के दम पे काम करेंगे, चोरी अपन नहीं करते हैं, चोरी केवल अपन जीटीए में करते हैं यार, बिकॉज वहां पे जरूरी होती है। अभी अपन देखते हैं इस वाले में पढ़ाते हैं तो। ओए कहां से आ रहा है तू यार,
रुक रुक रुक, कौन है भाई तू? कौन है कौन है कौन है? एक मिनट भाई, तुम देखो क्लैरिक है, इसका मतलब अंदर ब्रूइंग स्टोन ऑलरेडी रखा हुआ है। ये रहा ब्रो ब्रूइंग स्टोन, ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, मैं तोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज इसकी अपनी को जरूरत पड़ने वाली है अभी। चलो यार नीचे चल, नीचे चल यहाँ से, नीचे चल, पहुंच जा नीचे, कम ऑन नीचे गिर। अरे गिर जा सर नीचे यार प्लीज, अरे मरेगा नहीं तू। गाइस मैं तो कभी भी नीचे ऐसे कूदता हूँ तो मैं तो पानी में जाता हूँ, वो बंदा पानी में नहीं गया, मर गया वो यार। मेरे को मारना ही नहीं था उसको यार, सच में मेरे को लगा बच जाएगा, पानी में गिरेगा, लेकिन मैंने घोर पाप करा है गाइस, क्या बोलूं मैं अब। तो भाई ऊपर से अपन ब्रूइंग स्टैंड को लिया है, मेरे को एक चीज और लेनी थी, वो है कोल्ड ड्रम, बिकॉज मैंने देखा भाई कोल्ड ड्रम भी यहाँ पे पड़ा हुआ था पहले से, मैं तुम्हें बताता हूँ ठीक है एक्जैक्टली कहाँ पे रखा हुआ है। वो इधर ही कहीं तो था, वो भी इधर, देखो ये देख रहे हो तुम भाई, इस घर के पास में कोल्ड ड्रम रखे हुए हैं, एंड अपन एक काम करते हैं यहाँ से तोड़ लेते हैं। मैंने कहा भाई देखो चीजें जब पड़ी है तो फालतू में क्यों ही लेनी है, एक बहुत है यहाँ से। एंड भाई अब लास्ट चीज बच ली है, वो है स्टोन कटर, ठीक है। एंड मेरे को जितना याद आ रहा है ना ब्रो, स्टोन कटर मैंने खुद ने बनाया भी था, बट मैंने उसको रख का दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी यार। तो गाइस फाइनली अगला दिन भी हो चुका है, एंड भाई मेरे को ना स्टोनकटर मिल गया था, मैंने खुद की चेस्ट में रख रखा था, मैं पूरे दिन पावर की तरह ढूंढ रहा हूँ उसको यार, तो मेरे पास ही था। अब समय आ चुका है अपने को उनकी सारी चीजें लगा देने का, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा ऊपर की मंजिल पर, वहां पे सारी चीजें लगा दूंगा, एंड तुम लोगों को मिल जाएगी नौकरी यार। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूं ऊपर, एंड यहां पे मैं लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, सारी चीजों को। ये देख रहे हो क्या क्या चीज आ चुकी है मेरे पास में, ये सब चीजों को हटाता हूं पहले तो मैं। तो ब्रो सबसे पहले अपन चीज लगाएंगे वो है लाइब्रेरी, तो उसको मैं ऐसे लगा देता हूं, यहां पे जो भी आएगा वो लाइब्रेरी बन जाएगा। अगला ये है फ्लैचिंग टेबल, मेरे को नहीं पता एक्जैक्टली काम आती है, ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है भाई, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। सब आ जाओ गाइस, सबको नौकरी मिलेंगी, आ जाओ चलो चलो अपना काम ले लो। ये देखो इसने ले लिया है, तू एक काम कर, तू यहाँ पर ही ले ले, ओके। अरे ऊपर आना, अरे बेवकूफ यहाँ से भाई यार, ये कैसे काम करेंगे यार, ये दिमाग से तो पैदल है बिल्कुल ही। अरे ऊपर चढ़ के आओ गाइस। तो गाइस फाइनली मैंने सभी लोगों को बना दिया, ठीक है, काम करने की जगह यार। तुम देख रहे हो इन लोगों ने, काफी लोगों ने मतलब अपनी अपनी जॉब ले ली है यार, बाकी कौन बनेगा यार, बाकी लोग नहीं है क्या यहाँ पे नीचे भाई, सबको काम नहीं करना क्या? अरे काम करने के लिए आओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ए निकम्बो इधर आओ, काम करो, चलो बिना काम के किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ऊपर चलो उधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ इधर, हाँ गुड गुड गुड। अरे बेवकूफ ऊपर का चढ़ रहा है, नीचे आजा 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 आजा, चलो 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 सब अंदर चलो, अंदर जाओ अंदर अंदर। तो गाइस शायद ये लोग भी अपना जॉब लेने वाले हैं। ओके ब्रो फाइनली एक लाइब्रेरी बन चुका था, ओके ये लाइब्रेरी है क्या, कौन है सर? अच्छा ये बचर है, ठीक है, कोई लाइब्रेरी नहीं बना क्या? मेरे को लाइब्रेरी से सबसे ज्यादा काम था। अरे यार ये बेवकूफों के लिए ना मेरे को सही करना पड़ेगा भाई, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे बेचारे यार। गाइस कोई भी लाइब्रेरी क्यों नहीं बन रहा है यार, मतलब लाइब्रेरी का जॉब अच्छा नहीं होता क्या यार, कोई तो बन जाओ, मेरे को सही काम है यार प्लीज। ओके तो भाई भाई क्रीपर 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 नहीं क्रीपर नहीं क्रीपर नहीं, इसकी बोरा क्रीपर कैसे आ गया भाई मेरे घर के पास में, तुमने देखा अभी? एक मिनट रुको, मेरे को दूसरा रास्ते से निकलना होगा, ठीक है, अभी का अभी किधर खड़ा है क्रीपर यार, एक क्रीपर बाबू से ना मेरे को बड़ा डर लग रहा है यार। किधर था किधर था किधर था भाई, किधर था वो? यहीं तो कहीं था ना, ये देख रहे हो अपने घर के बाहर खड़ा है, एंड क्रीपर बाबू फंस चुका है, ठीक है, मेरे को ना भाई क्रीपर बाबू को मारना पड़ेगा। क्रीपर बाबू ये लो मरो, अरे भाई वापस आ गया। ओके ब्रो फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ, ठीक है, क्रीपर मेरे को बाहर घूम रहा है, इसको घूमने दो। ये देखो तुम ब्रो फाइनली अपने विलेजर्स को काम मिल चुका है, ठीक है ना, मेरे को नहीं पता कौन क्या क्या बना है, बट मेरे को एक चीज पता है भाई, इन गधों में से कोई भी एक लाइब्रेरियन नहीं बना है, तुम देख रहे हो लाइब्रेरियन कोई बन नहीं रहा है यार। देखो एक लाइब्रेरियन नहीं है मेरे पास में, और एक ये क्या है मेरे को नहीं पता भाई, जो भी चीज है ना यार ये यहाँ पर भी कोई नहीं है। मेरे को लाइब्रेरियन चाहिए, वो किताबें चाहिए थी भाई, एन्चेंटिंग बुक्स यार, कौन देगा मेरे को? मेरे को ना इनको ब्रीड कराना पड़ेगा ब्रो, ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलूँ ना भाई, तो ये स्टोन कटर वाला आदमी है जो कि बना है मैसन, ये शायद अपने को ब्रिक्स वगैरह दिया करेगा। ये है वेपन स्मिथ, ओके भाई ये वेपन देगा, देखो शार्पनेस 2 दे रहा है बंदा, 15 एमरल्ड भाई, लूट मचा रखी है इन लोगों ने तो यार। मम्मी को लेकर के आऊंगा, सस्ता करा के बार्गेन करके देगी, ठीक है, ये सही है यार यहाँ पे। एंड ये क्या है, ओके ये आर्मरर है भाई, आर्मर देगा बना करके, यहाँ पे तो अपने बो एरो की पिक्चर बना रखी है, आप दे ये फ्लिंट रहे हो यार, स्कैम कर रहे हो सामने सामने मेरे, ये भी कुछ भी दे रहा है भाई, क्या बात है यार, ये शेफर्ड फ्लेचर कुछ काम के है कि नहीं है? मेरे को कॉमेंट से बताओ ब्रो यार, ये शेफर्ड और ये क्या नाम था इसका फ्लेचर, ये कुछ काम भी करते हैं या फिर वेल्ले बैठे हैं, ऐसे कुछ भी दे रहे हैं अपने को? हाँ तो गाइस मैं तुम्हें बता रहा था, फाइनली ना अपने सारे विलेजर्स को काम मिल चुका है भाई, नौकरी वाले हो चुके हैं वो, तुमने देखा ही है यहाँ पे। एंड बीच बीच में बातें करने टाइम ग्रीन ग्रीन क्या निकलता है ये, मतलब इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात ये पूछना है मेरे को, ये फ्लेचर और शेफर्ड क्या करते हैं? ठीक है अभी एक काम करते हैं अपन, इनका काम तो कंप्लीट हो चुका है आज के लिए, अभी ना मेरे को चारों तरफ भाई ये बाउंड्री बनानी पड़ेगी अपने घर के। मैं सोच रहा हूँ ब्रो कि अपन एक काम करेंगे ना, बाउंड्री बनाना स्टार्ट करेंगे लगभग लगभग यहाँ से, तुम देख रहे हो ये जो दीवार खड़ी है ना, यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ा वाला गेट लगाऊंगा। ओके तो यहाँ से ठीक अपन ना वो देख रहे हो उस पहाड़ तक लेकर जाएंगे बाउंड्री को, मतलब कि यहाँ से बाउंड्री पास करेगी ब्रो, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ
अपने को और भी चीजें बनानी पड़ेगी ना, तो बार बार तो अपन बाउंड्री को एक्सटेंड करेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से पहले से अपन यहाँ से लेकर के चलते हैं, इतना एरिया बहुत है। इन फ्यूचर यदि अपने को टर्टल के लिए स्विमिंग पूल बनाना पड़ जाएगा तो मैं यहाँ पे बना लूंगा, वो सही रहेगा। एंड अगले वाली वीडियो में ब्रो अपन एक काम करेंगे, चारों तरफ फेंस लगाएंगे, पूरी बाउंड्री लगा देंगे, उसके बाद में कोई दिक्कत। तो बस ब्रो ये कुछ आज का वीडियो था। ये क्यों फेंक देते हो तुम लोग यार, मतलब स्टीव भी फेंक देता था और तू भी फेंक देती है इसको यार, ऐसे मत करा करो यार, पुपट हो जाती है मेरी, है ना। तो बस ब्रो ये कुछ आज का वीडियो था, आई होप दैट यू लाइक इट, तुम्हें मजा आया हो देख करके। फाइनली अपने विलेजर्स बन चुके हैं भाई, रोजगार मिल चुका है इनको, ठीक है, ये बन चुके काम करने वाले लोग। तो खत्म करते हैं इस वाले वीडियो को, आई होप दैट यू लाइक इट। आप मेरे को इंस्टा पर जाके फॉलो कर लेना भाई, मैंने मस्त आईडी वीडियो डाला है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, #GameOver ब्रो, ठीक है।